दिस रीज़न बैंकॉक को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। जो पुरानी यहाँ की कैपिटल थी अयुथाया, वहाँ पे बर्मीज लोगों ने अटैक किया था और उसको बिल्कुल तबाह कर दिया था। फिर यहाँ के जो किंग थे उन्होंने बैंकॉक को थाईलैंड की कैपिटल चुना। टू प्रोटेक्ट बैंकॉक द न्यू कैपिटल, यहाँ पे कैनाल सिस्टम बनाया गया आसपास और जगह जगह पे फोर्ट बनाए गए। बट फोर्ट अभी बहुत कम है, बट कैनाल सिस्टम अभी भी यहाँ पे है और हज़ारों लोग यहाँ पे रोज कम्यूट करते हैं। ट्रैवलिंग बाय रिवर, ट्रैवलिंग बाय बोट इज़ वन ऑफ द मेजर ट्रांसपोर्ट वेज इन बैंकॉक। और ना सिर्फ ये नॉर्मल कम्यूट करने के लिए, बट टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत पॉपुलर है। फ्लोटिंग मार्केट्स हैं कई सारी। इट्स अ ब्यूटिफुल इनसाइट के 100-150 साल पहले लोग कैसे रहा करते थे, कैसे ट्रैवल करते थे। जब रोड नहीं थे, मेट्रो नहीं थी, बसेस नहीं थी, कुछ भी नहीं था, देन दिस यूज टू बी द सोल वे ऑफ ट्रांसपोर्ट। और वही हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स गो। सदर्न पियर से फेरी लेकर मैं पहुंच गया हूं वाट अरुण टेंपल में, विच इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक बुद्धिस्ट टेंपल्स इन बैंकॉक। वाट अरुण, इसका नाम रखा गया है भगवान अरुण के नाम पर, क्योंकि जब सुबह सुबह होती है, डॉन के वक्त जब पहली किरणें सूर्य की इसके ऊपर पड़ती हैं टेंपल के ऊपर, तो ये बिल्कुल शाइन करता है, ग्लो करता है। इसीलिए इसे टेंपल ऑफ डॉन भी कहा जाता है। वाट अरुण इज नॉट जस्ट अ टेम्पल, इस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे टेम्पल्स के अलावा आर्चेज हैं, ब्यूटीफुल यक्षास के स्टैचूज हैं और चाइनीज आर्किटेक्चर का काफ़ी इन्फ्लुएंस यहाँ पर दिखाई देता है। काफ़ी लोग यहाँ पे विजिट करते हैं टेम्पल को और यहाँ पे बहुत हलचल होती है, बहुत चहल पहल होती है। कपल्स बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे जो कि ट्रेडिशनल थाई ड्रेसेस में फ़ोटो सेशंस कराने होंगे। और ये मैंने क्या देख लिया, वेल ये भी देख रहे हैं आप लोगों को, सो ये सब नहीं चलेगा टेम्पल में। एनीवेज यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूँ कि वाट अरुण टेम्पल की जो फ़ोटो है ना, वो यहाँ पे 10 baht के कॉइन्स के ऊपर भी है। सो दिस इज़ अ मस्ट विजिट टेम्पल। As usual for me, no trip is complete without food, and there is some amazing food and drinks inside temple complex. And these are my friends. मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि ट्रू पीस इज नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ टेंशन, इट इज़ अ प्रेजेंस ऑफ जस्टिस। जस्टिस हर जगह मौजूद है यहाँ पे। आप इस टेंपल के कॉम्प्लेक्स के अंदर घूमोगे, देन यू कैन रियलाइज दैट हाउ जस्टिफाइंग इट इज़ फॉर योर इनर पीस, फॉर योर इनर स्ट्रेंथ। और आपको यहाँ आना ही पड़ेगा टू विटनेस ऑल दोज ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ पे इतनी शांति है। हालांकि लोग हैं यहाँ पे हर जगह, बट फिर भी इस जगह पे एक अलग ही शांति का माहौल है जो सिर्फ यहाँ पर आकर ही फील किया जा सकता है। एंड दिस इज द मोस्ट सीरीन ब्यूटिफुल गोल्डन बुद्धा स्टैचू। और ये स्टैचू बहुत सिग्निफिकेंट है फॉर मॉन्क्स एज वेल, और यहाँ पर पूजा करना काफी होली माना जाता है। टेम्पल का नाम है वाट अरुण। वाट थाई में बोलते हैं टेम्पल्स को, यानी कि मंदिरों को। बैंकॉक जब से थाईलैंड की कैपिटल है ना, उससे पहले से ये मंदिर है, कैन यू बिलीव इट। और इसकी जो नक्काशी है वो इतनी इंट्रिकेट है, दूर से ऐसे लगेगा कि वो सिर्फ ऐसे डिजाइंस बने हुए, बट नहीं, वो रियल में कार्विंग्स हैं। वो फूल, वो पत्तियाँ, स्टैचूज, बहुत सारे हमारे हिंदू देवी देवताओं का जो कल्चर है, जो उनकी प्रतिमाएँ हैं, वो यहाँ पर उनकी छाप देखने को मिलती है। इट्स जस्ट आउटस्टैंडिंग। मतलब रिवर के किनारे बसा हुआ ये मंदिर, जिसे टेंपल ऑफ डॉन भी कहा जाता है, इट विल जस्ट ब्लो योर माइंड। और जहाँ देखो ऐसे लगता है कि जैसे लाइव फोटोशूट चल रहे हैं यहाँ।
अमेजिंग ट्रेडिशनल थाई ड्रेसेस पहनकर लड़कियां लड़के यहाँ पे फोटोज खिंचवा रहे हैं. फ्यू हैपन टू बी कपल्स और कुछ लोग कपल नहीं थे. तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों की शादी होने वाली है, इज इट अ प्री वेडिंग शूट? नो, होपफुली यस. आई मेट सम वंडरफुल फ्रेंड्स या मंदिर में. मॉन्क ने मुझे ये धागा बांधा, सफ़ेद कलर की मौली, और मतलब मैं शब्दों में इसको एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता. इट्स सच अ ब्यूटीफुल मेमोरी फॉर लाइफ टाइम. आई थिंक आज तीसरा दिन है बैंकॉक में. दो दिन तो आई वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट कि भाई बैंकॉक है क्या. भीड़ भीड़ भीड़, लोग, बस नहीं. इवन पीपल आर सो स्माइलिंग ऑल द टाइम. कहा जाता है कि स्पिरिचुअलिटी की कोई शक्ल नहीं होती, बट इफ यू कम हियर यू विल गेट टू सी कि उसकी शक्ल जो है वो काफी भव्य है, जिसका नाम है वाट अरुण. टाइम टू से गुड बाय. आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो. सी यू अगेन विद मोर सच ब्यूटिफुल लोकेशंस. टेक केयर एंड गुड बाय.